जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जनपद के छात्र व छात्राओं का टीकाकरण शत प्रतिशत कराने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य के साथ एनेक्सी भवन के सभागार में बैठक की, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि 3 जनवरी से 15 साल से 17 साल तक के छात्र छात्राओं के लिए कोविड टीकाकरण अभियान चल रहा है, जिसमें जनपद में 45% से ज्यादा टीकाकरण किया है तथा साथ ही बचे 55% लोगों का टीकाकरण करने के लिए जनपद के विद्यालय के प्रधानाचार्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है और हमारा प्रयास है कि जनपद के हर एक बच्चे का टीकाकरण किया जाए। उन्होंने छात्रों से अपील करते हुए कहा कि कोविड टीकाकरण बहुत ज़रूरी है, इसलिए अपना और अपने साथियों का टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी तक सभी छात्रों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर CMO डॉ. आशुतोष कुमार दुबे, ICCC के नोडल अधिकारी सुनीता पटेल सहित विद्यालय के प्रधानाचार्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, इसमें इस तरह की लापरवाही नहीं क्षम्य होगी, इसको हल्के में मत लीजिएगा। लिखित में भेजा गया है, बार बार आपको फोन किया गया, अगर आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों को संपर्क भी नहीं करेंगे, अपने मरीज को संपर्क नहीं करेंगे, नोडल ऑफिसर क्रियान्वयन किया तभी तो समस्याएं उजागर होंगी। ये कैसे कैसी व्यवस्था है? तो अपना अपना योगदान देने में आपको चिंता क्यों बढ़ता है? इतनी बार अपील करने के बावजूद कुछ जनपद 70% 80%, और यहाँ पे जब भी मैं पूछूं बच्चे आ नहीं रहे सर, प्रिंसिपल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं सर। मैं सीरियस प्रश्न चिन्ह करना चाहता हूँ, वाकई में उतने बच्चे हैं क्या? वाकई में आपकी छात्रवृत्ति का जो डेटा आप दे रहे हैं वो सही है? इसकी संतुष्टि आप करते हैं? इसकी संतुष्टि हम सब करते हैं? पैंडेमिक का बहाना नहीं चलेगा, ठंड का बहाना नहीं चलेगा, ये बच्चे हैं नहीं, इस चेकडाउन का विषय। जिस कॉलेज से CMO साहब मुझे अच्छी संख्या नहीं मिल रही है डीआर साहब, वो संख्या कॉलेज के खुलने का मतलब क्या है? क्या शिक्षा क्षेत्र के जुड़े हैं या किसी और चीज के जुड़े हैं? इसलिए आज MOIC सर आपको साथ साथ बुलाया गया है और सभी प्रिंसिपल साहिबान के 2 या 3 दिन तक लगातार सभी बच्चों को फोन जाना है। अभी तो व्हाट्सएप ग्रुप पे चल रहे हैं, आप ऑनलाइन कक्षाओं के लिए कहीं 2 साल से चल रहे हैं, सभी जगह ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, कितने जगह चल रही है, यहाँ जगह तो ये अच्छी खासी परीक्षा है आपकी। ऑनलाइन कक्षाएं चल रही है तो बच्चों को एक दिन बुलाने में दिक्कत क्या है? एक दिन उत्सव की तरह उसमें बुलाइएगा और उस दिन संबोधन करिए बच्चों के 2 विषयों के बारे में कि टीका जरूर लगाएं, अपने मौलियों में जो टीके से वांछित रह गए हैं प्रथम डोज द्वितीय डोज, और अगर 60 साल से उम्र के ज्यादा हैं तो उनको 70 डोज भी लगना है, 30 डोज भी लगना है। ये सिर्फ उनके जीवन की बात नहीं है, ये रक्षा कवच पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए, पूरे प्रदेश में कि गोरखपुर में एक भी बच्चा एक बच्ची 15 से 17 साल की उम्र के बीच से छूटा नहीं है टीकाकरण से। कर लो ना, नाम तो नहीं कर रहा होगा आपको, नहीं पक्का ना? ठीक है, तो अभी आज सभी हमारे से खड़े हो जाइए थोड़ा सा और अपने अपने ब्लॉक का नंबर दीजिए सभी प्रिंसिपल को एक एक करके। कोराबाग में कौन से प्रिंसिपल से हाथ उठाइएगा थोड़ा प्लीज। हाँ बहुत अच्छी बात, तो आप थोड़ा इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, आप कोराबाग के प्रिंसिपल तो अभी इतना होगा बनाना और जो छूटा हुआ है उसका भी और सभी से संपर्क करना है। सर आप मीटिंग लिए थे, हम लोग गए थे वहां, 900 हमारे बन नहीं पाया ना, अभी बात नहीं कर पाए, कितना बखत एक बार पाया सर, 58 पता नहीं, अभी 40% बजे जो है इधर आ जाइए, आगे सामने आ जाइए, इधर कोने में आ जाइए और एक साथ चर्चा करिए अभी क्या करना है। जो आपके संपर्क में है जिन जिन से आप संवाद स्थापित कर सकते हैं सबको बुला के इसमें आपको प्रेरित करना है, सबको मिलकर करना है, एक टीम बन के हमें करना है, साथ में जीतना है इस लड़ाई को। हाँ नेक्स्ट कौन है? ब्रह्मपुर के कौन कौन? हाँ आइए ब्रह्मपुर के एक साथ बुलाओ आपने। NUHM का नंद कुमार जी कहाँ है? नंद कुमार जी जैसे आप अवगत हैं 3 जनवरी से सभी 15 से 17 साल के
छात्र छात्राओं के लिए टीकाकरण अभियान चल रहा है, जिसमें हमारे जनपद ने अभी 45% से ज़्यादा लोगों को आच्छादित करके टीकाकरण लगाया है। शेष 55% को लगाने के लिए और गति लाने के लिए आज प्रधानाध्यापकों को यहाँ पे बुलाया गया था। उनसे स्वास्थ्य टीम के साथ समन्वय स्थापित करते हुए रणनीति को थोड़ा ट्वीक किया गया है और कोशिश ये है कि हर एक बच्चे को हम पहुँच कर उसमें उनका टीकाकरण पूर्ण करा सकें। अभी मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा सभी छात्राओं से, ये रक्षा कवच हमारे टीकाकरण का बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आप ही के लिए नहीं ही पूरे समुदाय के लिए, आपके परिवार के लिए ये रक्षा कवच है। इसमें बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग करते हुए, उत्साह के साथ इसमें प्रतिभाग करते हुए खुद भी टीका लगाएं और बाकी अपने साथियों को भी प्रेरित करें। और 100% हम लोग संकल्प लेते हुए चल रहे हैं कि इसी 26 जनवरी के भीतर हम लोग 100% इस जनपद को आच्छादित कर पाएँ।